नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये महत्वपूर्ण विषय भारत में औद्योगिक विकास और भारत का लोहा इस्पात उद्योग, इसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ हम औद्योगिक विकास की बात कर रहे हैं। किसी भी राष्ट्र देश के लिए औद्योगिक विकास महत्वपूर्ण होता है और वो इसलिए भी होता है क्योंकि एक आर्थिक आधार यह उद्योग धंधे किसी राष्ट्र देश को प्रदान करते हैं। तो औद्योगिकरण की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वो किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होती है। हम भारत देश की बात कर रहे हैं क्योंकि भारत प्राचीन काल से ही अपने उद्योगों के लिए विख्यात रहा है। प्राचीन काल से यहाँ उद्योग धंधे लघु स्तर पर विकसित अवस्था में थे। यहाँ का जो व्यवसाय था, यहाँ का जो वाणिज्य था, उसके कारण से भारत विश्व में प्रसिद्ध था और इस कारण से भारत को सोने की चिड़िया भी हम कहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा और हमारे यहाँ ब्रिटिश राज स्थापित हुआ, जिसके कारण से ब्रिटेन की जो दोषपूर्ण शोषण नीति थी, उसके कारण से भारतीय उद्योगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा और इन नुकसान के कारण भारतीय उद्योगों का धीरे धीरे पतन हुआ। क्योंकि अंग्रेज जो लोग थे, भारत से कच्चा माल अपने देश के लिए भेजते थे और वहाँ से उत्पादित माल भारत में बेचते थे, तो भारतीय उद्योगों को काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन इसके बावजूद कुछ उद्योग ऐसे थे जो कि ब्रिटिश काल में यहाँ काफ़ी विकसित हुए और वो उद्योग हम चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और कागज उद्योग, इन उद्योगों को यहाँ उस समय काफ़ी प्रोत्साहन मिला, जिसके कारण से ये उद्योग काफ़ी विकसित हुए। और 1923 में जब अंग्रेज़ों ने यहाँ भारत में औद्योगिक नीति बनाई, जिसके कारण से भारत के उद्योगों पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा और इसी कारण से, इस औद्योगिक नीति के कारण से भारत में स्वतंत्रता पूर्व काफ़ी उद्योग धंधे स्थापित हुए, महत्वपूर्ण उद्योग धंधे थे। और उनमें हम 1874 में स्थापित जैसे कुल्पी का लोहा इस्पात उद्योग है, जेके नगर पश्चिमी बंगाल का एल्यूमिनियम उद्योग है, चेन्नई में सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया, 1906 रानीपेट में तमिलनाडु में रासायनिक उर्वरक उद्योग स्थापित किया गया, 1941 में विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण उद्योग स्थापित किया गया, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में श्रीरामपुर, टीटानगर और लखनऊ, इनमें कागज उद्योग स्थापित किए गए। और इसी तरह कानपुर में ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। तो उस समय स्वतंत्रता पूर्व भी यहाँ काफ़ी उद्योग विकसित हुए। लेकिन जैसे ही भारत में भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद में भारत की पहली जो औद्योगिक नीति थी 6 अप्रैल 1948 को आई, उसके बाद में इस औद्योगिक नीति को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया, या संशोधित औद्योगिक नीति 1956 में आई। और इसके कारण से भारत में जो आर्थिक वृद्धि दर है वो काफ़ी बड़ी, और सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र के जो उद्योग हैं वो स्थापित करने के लिए जोर दिया गया। और इसी के साथ साथ जब उदारीकरण की नीति आती है, तो उदारीकरण की नीति के कारण विदेशी निवेश भारत में होता है, फलस्वरूप काफ़ी उद्योग उन्नति करता है। और इसी कारण 2009-10 में भारत की जीडीपी में जो वृद्धि दर की अंकित की गई,
8.2% वो महत्वपूर्ण वृद्धि हम मानते हैं। और इसी के कारण भारत में जो औद्योगिक विकास है वो काफी हुआ। तो यहां हम जब विभिन्न पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, जो कि स्वतंत्रता के बाद 2009-10 तक या फिर हम 12वीं योजना तक की बात करते हैं, विभिन्न पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योगों का विकास हुआ और इन पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिए अलग राशि व्यय की गई ताकि भारत उद्योगों में आत्मनिर्भर बन सके, औद्योगिक उत्पादन प्राप्त कर सके ताकि यहाँ की खपत भी हो और उस उत्पाद का हम निर्यात करें और विदेशी मुद्रा का अर्जन करें। प्रथम योजना की बात करते हैं, 707 करोड़ रुपए उद्योगों पर व्यय किए गए और इसी कारण उद्योग में जो वृद्धि दर है वो लगभग 30% की रही। द्वितीय योजना की बात करते हैं, चूंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण थी और उद्योगों को एक महत्वपूर्ण राशि दी गई, अधिक राशि दी गई क्योंकि उद्योगों पर विशेष जोर इस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। लगभग 1810 करोड़ रुपए यहाँ उद्योगों पर व्यय किए गए और इसके कारण से सार्वजनिक क्षेत्र के 3 लौह इस्पात कारखाने यहाँ स्थापित हुए। बिजली और मशीन उपकरण बनाने के जो उद्योग हैं यहाँ स्थापित हुए, भारी इंजीनियरिंग उद्योग हैं वो स्थापित हुए, रासायनिक उद्योगों ने भी प्रगति की। लेकिन जैसे तीसरी योजना आरंभ होती है, पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध के कारण और सूखे के कारण हमारा औद्योगिक जो उत्पादन है वो घट जाता है, एक बाधा हमारे सामने आती है जिसके कारण से औद्योगिक उत्पादन गिर जाता है। चौथी योजना में भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा दिया और पांचवी योजना में निर्यात की वस्तुएं और जन उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनके उत्पादन पर जोर दिया गया। छठी योजना में औद्योगिक नीति को उदारीकरण बनाया गया जिसके कारण से इलेक्ट्रॉनिक्स जो उद्योग हैं उनका उत्पादन यहाँ बढ़ा, कंप्यूटर से संबंधित, टेलीविजन से संबंधित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है उनका उत्पादन बढ़ता है। सातवीं योजना में एकीकृत उद्योग नीति अपनाई जाती है जिसमें घरेलू बाजार की वस्तुएं और निर्यात की संभावना वाले जो क्षेत्र हैं उनको ध्यान में रखकर औद्योगिक विकास की योजनाएं बनाई गई। आठवीं योजना में निजी क्षेत्र को बढ़ा दिया गया, निजी क्षेत्र को उद्योग धंधों के लिए प्रोत्साहित किया गया और नौवीं योजना में जो विकास दर थी वो 5% रही। सार्वजनिक क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान थे, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जो लगातार लाभ अर्जित कर रहे थे, भारत सरकार ने इन सार्वजनिक क्षेत्रों को या सार्वजनिक जो प्रतिष्ठान थे उनको नवरत्न का दर्जा भारत सरकार के द्वारा दिया गया। दसवीं योजना की बात करते हैं, विकास दर लगभग 10% रखी गई और इसी प्रकार 11वीं योजना में भी विकास दर 10% रखी गई। लेकिन 12वीं योजना में औद्योगिक विकास दर लगभग 8% की रखी गई। तो इस प्रकार विभिन्न पंचवर्षीय योजना में भारतीय उद्योग ने काफी विकास किया और उद्योग धंधों पर भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा। यहां हम औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो भारत में कुछ महत्वपूर्ण अनुकूल दशाएं यहां पाई जाती हैं जिसके कारण से यहां उद्योग धंधों का काफी विकास होता है। और इन उद्योग धंधों के लिए जैसे कच्चे माल की प्राप्ति की बात करते हैं, ऊर्जा संसाधनों की बात करते हैं, परिवहन सुविधाओं की विस्तार की बात करते हैं, अनुकूल जलवायु, कुशल और सस्ते श्रमिक की बात करते हैं, पूंजी और बैंक की सुविधा की बात करते हैं, बाजार की निकटता की बात करते हैं क्योंकि हम स्थानीय बाजार में उन उत्पादित माल को बेच सकते हैं, निर्यात भी हम कर सकते हैं। सरकारी नीति भी यहाँ महत्वपूर्ण रही और साथ साथ पेयजल की उपलब्धता के कारण यहाँ उद्योग धंधे
काफी विकसित हुए। हम उद्योगों की अगर विकास करते हैं तो भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जैसे असम घाटी का क्षेत्र, कलकत्ता हुगली औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर का जो पठार है वो चेन्नई कोयम्बटूर मुंबई पुणे अहमदाबाद वडोदरा और दिल्ली गाजियाबाद, ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जहां पर भारतीय उद्योगों ने एक श्रृंखलाबद्ध रूप से यहां विकास किया और इसके कारण यहां औद्योगिक उत्पादन लगातार बढ़ा। तो कुछ औद्योगिक श्रृंखलाएं या औद्योगिक क्षेत्र भारत में विकसित हुए जिसके कारण से उत्पादन यहां लगातार बढ़ा, लेकिन आज भी हम देखते हैं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कुछ सुविधाओं के अभाव के कारण यहां उद्योग धंधों का विकास नहीं हो पाया। यानी हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक संतुलित जो औद्योगिक विकास है वो भारत में नहीं देखने को पाया हो पाया। जैसे राजस्थान का क्षेत्र है, मध्य भारत का जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र कश्मीर का जो हिमालय क्षेत्र है, पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आज भी उद्योग धंधे पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं हुए हैं। केवल तटवर्तीय क्षेत्र और जहाँ खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, जहाँ कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण से भारत का जो औद्योगिक विकास है वो कुछ क्षेत्रों में ही सिमट के रह गया। यानी कुछ क्षेत्र ही यहाँ विकसित हुए उद्योग धंधे के परिप्रेक्ष्य में। तो हम भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि ऐसे क्षेत्रों को पहचाना जाए जहाँ पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल है, फलस्वरूप वहाँ पर भी उद्योग धंधों का विकास कर सके ताकि क्षेत्रीय असंतुलन को बनाया रखा जा सके या क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाया जा सके। तो इस प्रकार औद्योगिक विकास की दर है या औद्योगिक उत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है। और इसी के संदर्भ में हम सर्वप्रथम बात करते हैं लोहा इस्पात उत्पाद जो क्षेत्र हैं भारत के, कौन कौन से मुख्य उद्योग हैं, कारखाने हैं, कहाँ स्थापित हैं और किस कारण से इन उद्योगों की स्थापना उन क्षेत्रों में हुई। तो यहाँ हम देखते हैं कि टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर, जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में यह स्थापित की गई, जो कि यह एक निजी क्षेत्र की लोहा इस्पात कंपनी थी और भारत में महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उत्पादन इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। क्योंकि भारत के जो लोहा इस्पात उत्पाद के जो क्षेत्र हैं, छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है। तो हम टाटा आयरन की अगर बात करते हैं तो नोवा मंडी और मयूरभंज से लोहा अयस्क प्राप्त होता है इस कारखाने को, और गुरु हिमानी और क्योंझर उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ से मैग्नीज यहाँ इस कारखाने को प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ सुंदरगढ़ से डोलोमाइट, चूना पत्थर अग्निशय जल स्वर्ण रेखा और खोरे कोई नदी से प्राप्त होता है। झरिया और बोकारो से इस क्षेत्र को या इस कारखाने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल और अन्य जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त होती हैं। फलस्वरूप यहाँ पर जमशेद जी टाटा ने यहाँ लोहा इस्पात उद्योग, जिसको हम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम देते हैं, टिस्को जिसको हम बोलते हैं, वो स्थापित की गई। दूसरी हम बात करते हैं इसको भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, जिसमें बरनपुर, कुल्टी और हीरापुर तीन लोहा इस्पात कारखाने इसको के अंतर्गत आते हैं और यह भी
अपने छोटा नागपुर के पठार के पास ये तीनों जो स्टील कारखाने हैं वो स्थापित हैं। इसको अगर हम बात करते हैं तो लोह अयस्क सिंह भूमि से प्राप्त होता है, कोयला यहाँ रानीगंज झरिया और रामगढ़ से प्राप्त होता है, चूना गंगापुर और मैग्नीज बड़ा जामदा से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम विश्व स्वेरा आयरन स्टील कंपनी या स्टील लिमिटेड की बात करते हैं जो भद्रावती में स्थित है कर्नाटक में, इसकी बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र है भद्रावती का, यहाँ के स्थानीय जो क्षेत्र हैं वहाँ से इनको पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त होता है। यानी भद्रावती के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहीं से इनको कच्चा माल और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हम राउरकेला उड़ीसा इस्पात यंत्र की बात करते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा की बात करते हैं तो यह जर्मनी के सहयोग से उद्योग स्थापित किया गया और इसका जो लोहा एस्क प्राप्त होता है वो क्योंझर और मयूरभंज से प्राप्त होता है, उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज से प्राप्त होता है, कोयला झरिया से प्राप्त होता है और मैग्नीज क्योंझर से प्राप्त होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ दुर्ग और राजहरा से लोह अयस्क प्राप्त होता है, लोह कोयला कोरबा से प्राप्त होता है, करमाली से प्राप्त होता है और मैग्नीज बालाघाट और भंडारा से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भिलाई जो इस्पात संयंत्र है उसके आसपास के क्षेत्र से कच्चा माल और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दुर्गापुर लोहा इस्पात उद्योग की हम बात करते हैं, कारखाने की बात करते हैं, पश्चिमी बंगाल में यह कारखाना मौजूद है, उद्योग मौजूद है जिसको लोहा अयस्क नोवा मंडी से प्राप्त होता है, चूना पत्थर विरा मांझपुर से प्राप्त होता है, मैग्नीज उड़ीसा क्योंझर से प्राप्त होता है और दामोदर नदी घाटी परियोजना से विद्युत प्राप्त होती है। तो यहाँ भी पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं, चाहे वो निर्यात से संबंधित हो चाहे वो स्थानीय बाजार से संबंधित हो, यहाँ सभी जो सुविधाएं हैं मौजूद हैं। हम बोकारो इस्पात संयंत्र की बात करते हैं, झारखंड में यह स्थित है, लोह अयस्क यहाँ क्योंझर से प्राप्त होता है, चूना पलामू और कोयला झरिया और बोकारो से प्राप्त होता है, मैग्नीज यहाँ किरीबुक क्षेत्र से प्राप्त होता है और दामोदर नदी से यहाँ जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम सेलम इस्पात संयंत्र की बात करते हैं, तमिलनाडु में यह लोहा इस्पात कारखाना स्थित है और इस इस्पात कारखाने को भी स्थानीय स्तर पर कच्चा माल उपलब्ध होता है और अन्य जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो भी इसके आसपास यानी स्थानीय क्षेत्र से प्राप्त होती हैं। हम विशाखापट्टनम लोहा इस्पात कारखाने की अगर बात करते हैं तो यहाँ लोहा बेलाडीला से प्राप्त होता है, कोयला दामोदर घाटी क्षेत्र से और मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया से जो आयात कोयला करते हैं वो इस कारखाने में इस्तेमाल किया जाता है, चूना यहाँ खम तेलंगाना क्षेत्र से प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ ये तटीय बंदरगाह है जिसके कारण से लोहा इस्पात को इस बंदरगाह के माध्यम से निर्यात भी किया जाता है। हम अगले इस्पात कारखाने की बात करेंगे, विजयनगर इस्पात संयंत्र हॉस्पेड जो कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर बाबा बुद्धन और चिकमंगलूर जो क्षेत्र है, बाबा बुद्धन की पहाड़ियाँ और चिकमंगलूर यहाँ से लोहा अयस्क प्राप्त होता है, कोयला यहाँ सिंगरेली और
कानहन जो क्षेत्र है, कहानन नदी जो क्षेत्र है, वहां से यहां इनको कोयला प्राप्त होता है। भविष्य में भारत सरकार ने, क्योंकि ये 10 महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के लोहा इस्पात कारखाने हैं, इसके अलावा भारत सरकार ने तेलंगाना के खम क्षेत्र जहां स्पंज आयरन का उत्पादन किया जाएगा, गोपालपुरा उड़ीसा, मर्मागुआ गोवा और मिदनापुर पश्चिम बंगाल, यहां भी लोहा इस्पात संयंत्र लगाने की सरकार की योजना है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के लोहा इस्पात कारखाने हुए। और हम निजी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो निजी क्षेत्र में टिस्को जमशेदपुर में, ऐसा हजीरा सूरत गुजरात में, इस्पात इंडस्ट्री लिमिटेड डोलमी, जिंदल विजय नगर स्टील लिमिटेड तैरकपुर हॉस्पेट कर्नाटक। तो इन 4 निजी क्षेत्र के जो इस्पात संयंत्र हैं वहां भी इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं भारत लोहा इस्पात उत्पादन में काफी प्रगति की है और आने वाले समय में ये आत्मनिर्भर भी होगा और इसका उत्पादन भी लगातार बढ़ेगा, बशर्ते कि हम नई तकनीकें इसमें इस्तेमाल करें और हमारा जो बाजार है वो लगातार बढ़ रहा है। इनकी लोहा उत्पाद से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका बाजार लगातार बढ़ रहा है और भविष्य में भी भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग है वो लगातार विकास करेगा। धन्यवाद।